नमस्कार दोस्तों, आप पूरे ब्रह्मांड में किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर सकते हैं जो आपसे अधिक आपके प्रेम और स्नेह के लायक है, और वह व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा। जितना इस ब्रह्मांड में कोई और आपके प्रेम और स्नेह के अधिकारी है, उतना ही आप खुद हैं। एक भिक्षुक जिस किसी भी चीज के पीछे अपने सोच विचार से लगा रहता है, वही उसकी जागरूकता का झुकाव बन जाता है। जो जगा है उसके लिए रात लंबी है, जो थका है उसके लिए दूरी लंबी है, जो मूर्ख सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए जीवन लंबा है। हमें हमारे सिवा कोई और नहीं बचाता, ना कोई बचा सकता है और ना कोई ऐसा करने का प्रयास करे। हमें खुद ही इस मार्ग पर चलना होगा। तो चलियो दोस्तों, आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे बाला इंस्पायर्ड वन ईस्ट चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, एक छोटे से गाँव में एक फकीर रहता था। वह बड़ा ज्ञानी और करुणा से भरा हुआ था। पूरा गांव उसकी इज्जत करता था। इधर फकीर भी अपने जिद का बड़ा पक्का था। वह किसी से अनावश्यक भेंट नहीं स्वीकारता था, फलस्वरूप सादा जीवन जीता था। फकीर एक छोटे से झोपड़ी में रहता था। उसके पास कुल दो ही कंबल थे। उसके पास उस दो कंबल के अलावा और कुछ नहीं था। सर्दी का मौसम शुरू हुआ था, बड़े कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। रात का समय था और फकीर अपनी एक कंबल ओढ़ व एक बिछाए सो रहा था। अब फकीर तो वही है जो स्वयं के भरोसे जीते हैं। झोपड़ी का दरवाजा लगाने का तो सवाल नहीं उठाता था। इस समय उस गांव में एक भूखा चोर गांव में चोरी करने निकला। उसे अन्य कहीं घूमने में तो सफलता नहीं मिली। घूमते घूमते वह फकीर की झोपड़ी की तरफ आ गया। उसने देखा कि फकीर के झोपड़ी का द्वार खुला है। यह देखते वह अंदर चला गया। 10 मिनट तक उसने पूरा झोपड़ी देखा। उसे छोटा भगोना व एक टूट गिलास के अलावा कुछ न मिला। अब इस मौसम में यह दो टूटे फूटे बर्तन प्राप्त करने हेतु तो उसने यह कष्ट उठाया नहीं था। स्वाभाविक तौर पर चोर निराश हो गया। कुछ समय बीतने के बाद फकीर की नींद खुल गई। फकीर की नींद क्या, वह पहले आहट से ही जाग गया था। परंतु फकीर भी फकीर था, आंखें बंद कर चोर के तमाशा को देख रहा था। उधर बहुत समय बीतने के अंत में जो कुछ न रास आए और कुछ न मिलने के बाद तो चोर ने फकीर का कंबल ही झपेट लिया। कम से कम कुछ आत्मसंतोष तो मिलना चाहिए चोर को। इतनी रात को इतनी तकलीफ भी उठाने की बात भी, हाथ कुछ ना लगे तो वह चोर कैसा। कंबल चोरी करने की आत्मसंतोष के साथ वह दरवाजे से बाहर निकलने को हुआ। उधर फकीर तो यह सारा तमाशा देख रहा था, और अब फकीर को अपना अवतार दिखाने का वक्त आ गया था। उसने दरवाजे के बाहर जाते चोर को कड़क आवाज में रुकने को कहा। फकीर का आवाज सुनकर चोर हैरान हो गया और चोर वहीं का वहीं खड़ा हो गया। फकीर ने अपने कड़क आवाज में चोर को भीतर आने को कहा। चोर के तो भारी ठंड में पसीने छूट गए। बेचारा चुपचाप अंदर आ गया। चोर के चेहरे पर ऐसी घबराहट देख फकीर ने बड़ी विनम्रता पूर्वक उससे माफी मांगते हुए कहा, माफ करना भाई, तुम इतनी ठंड से इतनी दूर से आए हो, तुम्हारी कोई सहायता ना कर सका। घर में कुछ ही नहीं है कि तुम्हें संतुष्ट कर सकूं, लेकिन अगली बार आना तो कहकर आना। आसपास कुछ मांग कर एकत्रित कर लूंगा ताकि तुमको इस कदर निराशा होकर ना जाना पड़े। उधर चोर जो पहले ही फकीर की कड़क आवाज से घबरा गया था, फकीर का ऐसा हसीन प्रस्ताव सुनते ही बर्तन के साथ साथ उसने हाथ से कंबल भी छूट गया। चोर भोकला तो ऐसा गया कि बिना कुछ लिए ही भागने को चल पड़ा। यह देखकर फकीर ने फिर गरजते हुए कहा, जो लेकर जा रहे थे वह सब तो लेकर ही जाना होगा, और हां, जाते वक्त दरवाजा जरा बंद करना ताकि मैं ठंड से बच सकूं। बेचारा चोर, उसकी हालत तो यह हो चुकी थी कि वह फकीर का हर हुक्म मानने को तैयार हो गया। चोर ने वह फेंक हुआ कंबल और बर्तन उठाए, और जैसा ही फकीर ने कहा था कि दरवाजा बंद कर लेना, उसने झोपड़ी का दरवाजा बंद कर लिया। यहां तक तो सब ठीक था, पर सुबह सुबह वह चोर पकड़ा गया। फकीर के कंबल से पूरा गांव परिचय था। सबको क्रोध भी चढ़ रहा था। सब सोच रहे थे कि चोर को चोरी करने के लिए क्या सज्जन का झोपड़ी ही मिल गया। लोगों ने चोर को पकड़कर पंचायत में पेश कर दिया। उधर यह खबर उड़ते उड़ते फकीर के पास भी पहुंची। वह तुरंत दौड़ा दौड़ा पंचायत जा पहुंचा। उसने वहां जाकर साफ कहा कि यह कंबल व बर्तन चोर ने चुराई नहीं है, मैंने ही उसे यह ले जाने को कहा है। यह तो बड़ा ही सज्जन व्यक्ति है, उसने जाते जाते मुझे ठंड ना लगे इस ख्याल से घर का दरवाजा तक बंद कर दिया था।
फिर पंचायत ने फकीर का बयान सुनने के बाद उस चोर को छोड़ दिया। पर चोर का रो रो कर पूरा हाल हो गया। वो फकीर के चरणों में गिर पड़ा। उसने फकीर से उसे अपना सेवक बनाने की जिद पकड़ ली। कुछ आनाकानी कर फकीर ने उसे सेवा का मौका देना तय किया और उसे अपने साथ घर ले आया। कहने की जरूरत नहीं कि चोर के साथ साथ फकीर के कंबल और बर्तन भी घर वापस लौट आए और एक सेवक भी फकीर को मिल गया। या तो ठीक, पर घर लौटते ही फकीर उस चोर पर खूब हंसा और हंसते हुए बोला, देखो मेरी जान, मेरे कंबल बर्तन तो वापस लौट आए, साथ ही सेवा करने हेतु एक सेवक भी ले आया। फकीर का कोई सौदा कभी घाटे में नहीं होता। इसे कहते हैं आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। वह जानता था कि उसका कंबल चोरी करना आसान नहीं। निश्चित ही यह फकीर का अपनी फकीरी पर आत्मविश्वास का श्रेष्ठ दृष्टांत यह था। बस हमें इसी आत्मविश्वास की बात करनी है। मनुष्य को अपने काबिलियत पर पूरा विश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास से दूसरा कोई जादू संसार में होता नहीं। यदि आपको अपने काबिलियत पर पूरा विश्वास नहीं होगा तो कोई भी कार्य आप कभी भी विश्वास पूर्वक नहीं कर सकते। यदि आपको अपनी नियत पर विश्वास नहीं होगा तो हर कार्य करने से पहले हजार विचार आप करेंगे। दूसरों के भरोसे जीने से, फिर चाहे वह भगवान ही क्यों ना हो, मनुष्य का आत्मविश्वास घटता है। आत्मविश्वास ही सफलता की नींव है। दोस्तों, यह एक मन के उपद्रव पर बेहतरीन कहानी है। दोस्तों, स्वागत है हमारे इस दूसरी कहानी मैं मन के उपद्रव पर बेहतरीन कहानी देखेंगे। मन ही मनुष्य की सारी सफलता और असफलता का कारण है। मन के कारण मनुष्य कई मुसीबत में फंसता चला जाता है। मनुष्य किस तरह मन के कारण मुसीबत पैदा करता है, वो हम इस कहानी मैं देखेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, एक गांव में दो मित्र रहते थे। उनमें बड़ी अच्छी मित्रता थी। एक युवक गरीब था और दूसरा पैसे वाला घर का था। हालांकि धन का यह फासला दोनों की मित्रता में कोई बाधा नहीं डालता था। एक दिन ऐसा हुआ कि गरीब दोस्त को स्कूटर की आवश्यकता पड़ी। घर पर कुछ मेहमान आने वाले थे, सो उसे सामान वगैरह लाने की जल्दी थी। उधर उसके अमीर दोस्त के पास स्कूटर थी। बस उसने उसे एक दिन के लिए स्कूटर मांगना तय कर लिया और तय करते ही गरीब मित्र उसके पास स्कूटर मांगने चला गया। अभी वह कुछ ही कदम चला कि उसके मन में एक विचार आया कि ऐसा तो नहीं कि वह स्कूटर देने को मना कर दे। फिर तुरंत दूसरा विचार आया कि ऐसा थोड़ा ही है, इतने सालों की दोस्ती में मैंने कभी उससे कुछ नहीं मांगा है, भला दोस्ती में वह स्कूटर के लिए इनकार क्यों करेगा। परंतु मन का स्वभाव बड़ा उपद्रवी होता है। बस उस मित्र के मन में पकड़ दिया दूसरा विचार। वह फिर सोच में पड़ गया, वह जरूर मना करेगा। वह दिखता है इतना सीधा साधा, परंतु वह बहाने जरूर बनाएगा कि स्कूटर में पेट्रोल नहीं है। कोई बात नहीं, मैं भी कह दूंगा कि ला चाबी, पेट्रोल में भरवा लूंगा। बस इसी सोच के साथ वह गरीब दोस्त फिर विश्वास से भर गया। लेकिन अभी दो कदम भी चला कि उसके मन में एक विचार आया कि वह स्कूटर नहीं देने के हजार बहाने खोजेगा। उसकी दोस्ती यारी सब ऊपरी है। वह तो यही कह देगा कि स्कूटर का टायर ही खराब है, या कहेगा आज मेरे घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं तो स्कूटर देना संभव नहीं। बस इतना सोचते सोचते गरीब मित्र को बड़ा क्रोध आ गया और इस अवस्था में वह दोस्त के घर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसे बहुत क्रोध आ गया। उसने क्रोध की अवस्था में मित्र के घर की दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाजा दोस्त ने ही खोला। वह क्रोध में तो बस दोस्तों को उसके सामने प्रकट होते हैं चिल्ला पड़ा, भाड़ में जो तुम और तुम्हारा स्कूटर, बहुत देख लिए पैसे वाले, तुम लोग कभी किसी के मित्र हो ही नहीं सकते, जो आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। बेचारा दोस्त तो हक्का बक्का हो गया। उसे कोई बात नहीं समझ में नहीं आई, कौन सा स्कूटर और कहां के अमीर लोग। पर उधर उसका गरीब दोस्त अपनी भड़कास निकाल कर चला गया था। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य का मन बड़ा ही उपद्रवी है। मनुष्य का मन के ऊपर नियंत्रण ना होने से वह मन के उपद्रव के शिकार हो जाते हैं। ना चाहते हुए भी उससे पागलपन हो जाता है। लाख ना चाहते हुए भी वह मन के कारण आपसी रिश्ते बिगाड़ देते हैं। यानी कुल मिलाकर कहो तो सब कुछ ठीक होते हुए भी मन के कारण मनुष्य कई मुसीबत में फंसता रहता है। यही मन का उपद्रव है। क्रोध करना एक गर्म कोयले को दूसरे पे फेंकने के समान है, जो पहले आपका ही हाथ जलाएगा। जो गुजर गया उसके बारे में मत सोचो
और भविष्य के सपने मत देखो, केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। हम जो बोलते हैं अपने शब्दों को देखभाल के चुनना चाहिए कि सुनने वाले पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा। अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपनी मन और सोच को अच्छा और साफ नहीं रख पाएंगे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो कमेंट करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी ही नई नई कहानी के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।